एक आराधनालय का अगुआ यीशु के पांव में गिर पड़ा। मेरी छोटी सी बेटी मर रही है, वो रोया। अगर तुम उस पर अपना हाथ रखो, मैं जानता हूँ कि वो चंगी हो जाएगी। हाँ? भीड़ में से रास्ता बनाते वो याईर के घर से आए कुछ मनुष्यों से मिला। तेरी बेटी तो मर चुकी है, उन्होंने कहा। मत डर, यीशु ने कहा, विश्वास कर तो तेरी लड़की चंगी हो जाएगी। वो याईर के घर पहुंचे और लोगों को रोते हुए वहां पाया। तुम क्यों रो रहे हो, यीशु ने पूछा। लड़की मरी नहीं है, वो केवल सो रही है, लोग उस पर हंसने लगे। यीशु और उसके तीन शिष्य पतरस, याकूब और यूहन्ना याईर और उसकी पत्नी के साथ घर में गए। छोटी लड़की वहां पर लेटी हुई थी, ठीक वैसा ही जैसा प्रत्येक ने कहा था। यीशु ने उसका हाथ पकड़ा, तब उसने कहा, हे लड़की उठ, और वो उठ गई। वो यहाँ तक कि पूरे कमरे में चली भी। याईर और उसकी पत्नी अचंभित हुए। यीशु ने उन्हें बताया कि किसी को मत बताएं कि उसने क्या किया है। अब यीशु ने कहा, मैं सोचता हूं कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाना चाहिए। यीशु शिक्षा समाप्त कर चुका था। हर एक को भूख लग रही थी, उन्हें भोजन खरीदने के लिए भेज दे, उसके शिष्यों ने कहा। पर यीशु लोगों को दिखाना चाहता था कि वो परमेश्वर पर भरोसा कर सकते थे। क्यों ना तुम उन्हें भोजन दो, यीशु ने पूछा। उन सबके लिए भोजन खरीदने के लिए तो एक साल का वेतन चाहिए, उसके शिष्य बोले। तुम्हारे पास कितना भोजन है, यीशु ने पूछा। यहाँ पर एक लड़का है, अंद्रियास ने कहा, जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं। यीशु मुस्कुराया, काफी है, लोगों को कहो कि घास पर बैठ जाए। इस तरह लोग सब तरफ पहाड़ के पास बैठ गए। यीशु ने रोटी और मछली के लिए धन्यवाद किया, तब उसने सबको देने के लिए उन रोटियों को तोड़कर शिष्यों को दिया। यीशु के शिष्यों ने रोटी और मछली पूरी भीड़ को दे दी। वहाँ पर 5,000 पुरुष और बहुत सी स्त्रियाँ और बच्चे भी थे, सबने भर पेट खाया। इसके बाद शिष्यों ने बचे हुए टुकड़े इकट्ठा किए। केवल 5 रोटी और 2 मछलियों से 12 टोकरी भर गई थी। लोग जानते थे कि वो उनकी देखरेख के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर सकते थे। ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत कर रहा है जो बुरी बातें कर रहे हैं, धार्मिक अगुओं ने अचंभा किया। इसलिए यीशु ने उन्हें परमेश्वर के प्रेम की एक कहानी बताई। ये इस प्रकार है। एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने उसके पिता के मरने के बाद मिलने वाला हिस्सा मांगा। टूटे दिल के साथ पिता ने उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा उसे दे दिया। पुत्र एक दूर देश की तरफ चला गया। उसने अपना सारा धन बर्बाद कर दिया। तब एक अकाल पड़ गया और उसका काम सुअरों को भोजन खिलाना था। उसने सुअरों का भोजन खाने की चाह की। मेरे पिता के नौकर भी इससे अच्छा खाना खाते हैं, उसने सोचा।
मैं वापस घर जाऊंगा और मान लूंगा कि मैंने उसके और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। शायद वो मुझे अपने नौकरों में से एक जैसा बना ले। बेटा घर वापस लौटा। जब वो अभी दूर ही था, उसका पिता उसकी तरफ दौड़ कर आया और उसे गले लगा लिया। मैं आपका बेटा होने के योग्य नहीं हूँ, उसने अपने पिता से कहा। मेरे बेटे के लिए मेरा सबसे अच्छा वस्त्र लेकर आओ, पिता ने अपने नौकरों से कहा। उसकी अंगुली में अंगूठी डालो, सबसे मोटा बछड़ा पकाओ। मेरा बेटा खो गया था और अब वो मिल गया है। बड़ा पुत्र क्रोधित हुआ जब उसने जश्न मनाए जाने के बारे में सुना। ये अनुचित है, उसने शिकायत की। मैं वफादारी से काम करता हूँ और मुझे कुछ नहीं मिलता। वो आपका पैसा बर्बाद करता है और उसके लिए एक जश्न की तैयारी की जाती है। सब जो मेरा है वो तेरा ही है, पिता ने जवाब दिया। तेरा भाई मर गया था, अब जीवित है। वो खो गया था, अब वो मिल गया है। इसलिए हम जश्न के अलावा क्या कर सकते हैं।